नमस्कार दोस्तों, धनातन टीवी में आपका एक बार फिर से स्वागत है। मनीष गुप्ता जिसकी उम्र महज 35 साल थी और वो अपने दो हरियाणा वाले दोस्तों के साथ गोरखपुर घूमने आया था। एक का नाम था हरवीर सिंह चौहान और दूसरे का नाम था प्रदीप चौहान, जो चंदन सैनी के यहाँ घूमने आया था गोरखपुर। और वो रामगढ़ताल के इलाके के कृष्णा पैलेस होटल में कमरा नंबर 512 में रुका था। तीनों दोस्त सो रहे थे तो अचानक 12:30 बजे रात को पुलिस आती है और दरवाजा खटखटाती है और बोलती है, आईडी प्रूफ दिखाओ, जल्दी अपना आईडी प्रूफ दिखाओ। तो दोस्त उसके उठ कर जाते हैं और दरवाजा खोलते हैं और उसको आईडी प्रूफ दिखाते हैं पुलिस वाले को, और उसको बोलते हैं कि उसका भी आईडी प्रूफ दिखाओ। तो वो भी मनीष उठता है और अपना आईडी प्रूफ दिखाता है और पुलिस वाले से बोलता है कि ये आप लोग क्या कर रहे हैं, 12:30 बजे रात को आप लोग क्यों परेशान कर रहे हैं आम नागरिक को, और सोने नहीं दे रहे हैं। हम लोग क्या आतंकवादी लगते हैं कि जो लोग परेशान करने आ जाते हैं। इसी बात पे वो पुलिस वाला झल्ला गया और उसके दोस्तों को 2 थप्पड़ जड़ दिए और उसके बाद मनीष को खूब मारा पीटा और मार मार कर उसको जान से मार डाला। और जान से मार डालने के बाद ही नहीं दोस्तों, उसके बाद उसको सबूत मिटाने लगे पुलिस वाले, और सबूत मिटाते मिटाते वो सब साफ कर दिए थे और उसको बाहर लेकर गए उसी वक्त, और उसको बाहर ले जाकर उसकी बॉडी को रख दिए। और बाद में SSP तांडा का बयान भी आया था कि वो हादसे का शिकार हो गए थे और हादसे से उनकी मौत हो गई थी। लेकर कमरे की चेकिंग करने गई जहां पर हड़बड़ाहट में एक युवक की कमरे में गिरने से चोट लग गई। दुर्घटनावश हुई इस घटना से पुलिस ने तत्काल होटल मैनेजर को साथ लेकर युवक को अस्पताल में भर्ती करवाया जहां पर उसका इलाज हुआ। BRD में दौरान इलाज उस युवक की मृत्यु हो गई। पुलिस ने तत्काल परिजनों को सूचित किया है। और ये खबर जब उनकी पत्नी को पता चली तो पत्नी सुबह भागी दौड़ी अपने 2 बच्चों के साथ चली आई और रोने लगी, चिल्लाने लगी, और उसने देखने लगा कि कमरे में कौन है कौन नहीं है। तो पुलिस वहाँ पहरा दे रही थी तो उसकी नज़र बेड के नीचे गई, जो बेड के नीचे एक तौली था और तौली पूरा खून से लथपथ था। और उसको देख कर वो भड़क गई और पुलिस वालों पर झल्लाने लगी और बोलने लगी कि मुझे इंसाफ चाहिए, और इंसाफ की गुहार लगाने लगी। जैसा कि दोस्तों आपने वीडियो भी देखा होगा कि वो रोकर हाथ जोड़कर योगी आदित्यनाथ जी से गुहार लगा रही थी कि मुझे इंसाफ चाहिए, मुझे इंसाफ चाहिए। और अंत में उसकी पोस्टमार्टम के लिए बाड़ी जानी थी तो वो पोस्टमार्टम को जाने नहीं दे रही थी कि मैं पोस्टमार्टम जब तक करने नहीं दूंगी जब तक मुझे न्याय नहीं मिल जाता। और दोस्तों ये FIR जब कराने गई तो उनका एक वीडियो वायरल हो रहा है, जैसा कि आप वीडियो देखे। उनका पहले से तो कोई झगड़ा था नहीं, वो गए थे वर्दी पहन के गए, बताया कि क्यों हुआ है, तो रीजन तो मैंने आपको दिया है, इसीलिए हम आपकी बात सुबह से सुन रहे हैं। मैडम ने मुझे कहा कि आप मुझे लंबित कर दीजिए, मैंने कर दिया, और तब तक बाहर नहीं होंगे जब तक उनको क्लीन चिट ना मिल जाए। मुझे नौकरी उनकी नहीं चाहिए भैया, मुझे उनको पूरी तरीके से नौकरी से हटाइए, मुझे या तो मुझे जान के बदले जान चाहिए। आप साफ समझिए, रिकॉर्डिंग नहीं चल रही है भैया, रिकॉर्डिंग नहीं। आप देख रहे हैं DM और SSP कैसे उस महिला को समझा रहे हैं कि कोर्ट केस के चक्कर में ना पड़ो, तुम्हें सरकारी नौकरी नहीं मिली, और केस को किस तरह दबाया जा रहा था दोस्तों। और अंत में उस महिला ने बाहर निकल कर रोने लगी, चीखने लगी, चिल्लाने लगी, और वो मुख्यमंत्री जी से गुहार लगाने लगी कि मैं अपने पति का पोस्टमार्टम जब तक नहीं कराऊंगी जब तक मुझे न्याय नहीं मिल जाता, और मैं अपने पति का अंतिम संस्कार तब तक नहीं करूंगी। तब मुख्यमंत्री जी का फोन आया और उन्होंने आश्वासन दिया कि आपके पति को इंसाफ मिलेगा। तब जाकर दोस्तों FIR गोरखपुर की पुलिस उनके पति के पोस्टमार्टम के लिए उनका शव ले जाने लगी, लेकिन उन्होंने साफ मना कर दिया कि इनका पोस्टमार्टम गोरखपुर की पुलिस नहीं करेगी, कानपुर की पुलिस करेगी। और उनका कानपुर शव ले जाया गया, उनका पोस्टमार्टम किया गया, और पोस्टमार्टम में रिपोर्ट यही आया दोस्तों, जिसका शक था उनको डंडों से मारा गया था, और डंडों से पीठ पर निशान था और हाथों पर निशान था और कई जगह पर निशान था, और पुलिस ने पीट पीट कर मार डाला था। और मीनाक्षी जी ने माननीय मुख्यमंत्री जी से गुहार लगाई थी कि मुझे अब इंसाफ चाहिए, और माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी भरोसा दिलाया था कि आपका घबराइए मत, आपको इंसाफ मिलेगा, और उन्हें FIR कर दिया गया है। और जिनका जिनका हाथ था CBI जांच होने के बाद उन सब पर कड़ी कार्रवाई होगी, और उनको सरकारी नौकरी का वादा भी कर दिया है दोस्तों, और उनको मुंह मांगी धनराशि भी दी जा रही है दोस्तों। अब मीनाक्षी जी अपने सवाल से संतुष्ट है दोस्तों, जिनका उन्हें जवाब मिल चुका है। तो दोस्तों ये था पूरा मामला, और भी खबरों के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। हम इसी तरह के लेटेस्ट अपडेट लाते रहते हैं। धन्यवाद।